ओके, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। मैं जाम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रिप्टो इनकम पर। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बिल्ड विद बिटकॉइन चेन। जी हां दोस्तों, आखिरकार ये अपना रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है और बिटकॉइन के अंदर एक मेगा रैली आ चुका है और कहीं ना कहीं आने वाला भी है काफ़ी चीज़ें, और काफ़ी मुझे लगता है बड़ी बड़ी लिस्टिंग्स भी देखने को मिलेगी। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इंपोर्टेंट होने वाली है। मेक श्योर दोस्तों वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा। पहली बार चैनल पे आए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को करके टेलीग्राम ट्विटर हैंडल मस्ट जरूर फॉलो करना, सभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बिल्ड विद बिटकॉइन। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं इसके ब्लॉकचेन की। तो आपको पता है कितना कम गैस फीस है, कितना ज़्यादा एफिशिएंट है, कितना ज़्यादा फास्ट और स्केलेबल है, कितना ज़्यादा डिसेंट्रलाइज है। सभी चीज़ों के अंदर ये टॉप क्लास है। या दोस्तों, इसके साथ साथ काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स भी इसके आए हैं, लाइक दैट बिटकॉइन का एक्सचेंज, P2P मार्केट प्लेस, पेमेंट गेटवे, उसके साथ साथ रियल एस्टेट मार्केट प्लेस। या दोस्तों, इसके खुद का बिटकॉइन का वेंचर भी है या दोस्तों, जिसके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं नए प्रोजेक्ट के अंदर। काफ़ी चीज़ें यहाँ पर है, बट अभी किस चीज़ का हाइप है दोस्तों? अभी ये हाइप इसके सेकेंड ऑफ एनिवर्सरी का, 10 मेजर लिस्टिंग्स का। जी हाँ दोस्तों, जो कि ऑलरेडी इन्होंने अनाउंसमेंट किया। क्वाइन गीको के ऊपर भी 24 आवर के अंदर सबसे ज़्यादा गेनर प्रोजेक्ट यहाँ पर हमारा बिटकॉइन रहा, और वाकई में रेट के अंदर भी काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ है। काफ़ी ज़्यादा प्रमोशंस भी चल रही है, काफ़ी बड़े बड़े पोर्टफोलियो से, काफ़ी बड़े बड़े ट्विटर प्रोफाइल से इसको प्रमोट भी किया जा रहा है। ऐसा नहीं है जी हाँ दोस्तों, जो कि प्रमोशन कैंपेन चल रहा है इसका भी और लवली का भी। तो कहीं ना कहीं हमने इसके अंदर बहुत ही अच्छे टाइम पे एंट्री मारा था, हमने इसके अंदर टाइम रहते हुए ही एंट्री कर दिया था, जिसका फ़ायदा आज के टाइम में, आज के डेट में हमें मिल रहा है। लोग आज इसके बारे में सुन रहे हैं और एंट्री बना रहे हैं, हम सब तो पहले से इंटर हैं। अभी की बात करें 31-34 जी दोस्तों, 24-25% से आज के डेट में ये पंप है। जी दोस्तों, देख सकते हो भाई, कैंडल देख सकती हो, हम सब यहाँ पर बाय की 21, 19, 20, 21 के अराउंड। अभी है कहाँ तक आया था, 36 तक, अभी चल रहा है 31 तक। क्या कमाल का गेन है। कहीं ना कहीं दोस्तों हाई बन रहा है हमारा बिटकॉइन भी, जो है हमारे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग जो है काफ़ी तगड़ा तगड़ा प्रॉफिट मिलेगा। या दोस्तों देगा भी, बिटफिनिक्स को कॉइन जैसे बड़े एक्सचेंजेस लिस्टेड है, यानी 10 एक्सचेंज है। मुझे लगता है क्रैकन भी एक हो सकता है जो लिस्ट कर सकता है इसको, कॉइनबेस में भी कर सकता है। हालांकि यार बिटकॉइन एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनता हुआ जा रहा है, तो भाई एक्सचेंजेस को लिस्ट करने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये जो 10 एक्सचेंज लिस्टिंग है, कहीं ना कहीं इसके अंदर काफ़ी मेजर और बड़ी बड़ी एक्सचेंज आपको और हमें देखने को मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, जो कि इसको लिस्ट करना स्टार्ट करेगा। हालांकि इम्पैक्ट तो भाई पहले ही अगस्त को होगा कि पहला कौन सा ऐसा एक्सचेंज होगा जो इसको लिस्ट करेगा। आपको क्या लगता है? लवली ने तो काफ़ी सारे एक्सचेंज को रिवील कर दिया है, वजीरेक्स को है ना, और क्वाइंस बिट को, बहुत सारे एक्सचेंज है, टैब बिट है, उसको उसने भी अनाउंसमेंट कर दिया है। लेकिन बी राइज का, जी हाँ दोस्तों, बिटगर्ड का अभी तक कोई भी ऐसा अनाउंसमेंट नहीं आया। आपको क्या लगता है दोस्तों, आपके अकॉर्डिंग कौन सा एक्सचेंज सबसे पहले लिस्ट कर सकता है बिटगर्ड को? जी हाँ दोस्तों, और क्या बिटगर्ड को बाइनांस, क्वाइनबेस, क्रैकन लिस्ट करेगा कि नहीं? ज़रूर से ज़रूर दोस्तों अपना ओपिनियन कमेंट के अंदर शेयर कीजिएगा और हमें बताइएगा कि आपको क्या लगता है। और इन्वेस्टमेंट की अभी बात बिल्कुल भी मत करना भाई, अभी बहुत ऊपर अब आ चुका है, लगभग ऊपर आ चुका है, हो सकता है रिस्की हो जाए, मे बी यहाँ से नीचे भी आ जाए, लेकिन थोड़ा सा अगर चाहो तो $10 के अराउंड आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन हाई रिस्की है भाई, 30 के अराउंड आएगा तभी सोचना, 29-30 के अराउंड, क्योंकि भाई कहाँ 19-20-21 के अराउंड, 25 के अराउंड काफ़ी टाइम तक ट्रेड किया और अभी तो 31 है, ड्रॉप हो सकता है, तो भाई वो सोच समझ लेना, रिस्क मैनेजमेंट करके ही इन्वेस्टमेंट करना। बाकी दोस्तों अगर कोई डाउट है, क्वेश्चन हो, बेझिझक हमसे कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो के लिए हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को करके टेलीग्राम ट्विटर हैंडल मस्ट जरूर फॉलो करना, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मतलब नेक्स्ट में आज कितना है, गुड बाय।